हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। और आज यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफिक तकनीकी, साथ ही माध्यम एवं तकनीक से रिलेटेड, ग्राफिक कला से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। और ये राकेश गोस्वामी की बुक से मैं करा रही हूँ, तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कुछ गलत है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही आपको एक जानकारी भी देनी थी, आज तीन बजे आपका एक लाइव सेशन होगा जिसमें हम यूथ कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? मूर्तिकार के द्वारा। उत्कीर्ण छाया चित्र को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण छाया चित्र को क्या कहते हैं? इंटेग्लियो कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? तो यहाँ पर आंसर इंटेग्लियो दिया गया है। चित्रकला हेतु क्या नहीं प्रयुक्त होता है? इंटेग्लियो। नेक्स्ट देखेंगे, ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? 15वीं शताब्दी में जर्मन कलाकार हाउस बुक मास्टर ने। ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? 15वीं शताब्दी में जर्मन कलाकार हाउस बुक मास्टर ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राई पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो वो थे अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। ड्राई पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। नेक्स्ट देखेंगे, किस कलाकार ने अपनी कई प्रसिद्ध कृतियों जैसे सनी और द तैमर के लिए ड्राई पॉइंट तकनीक का प्रयोग किया? आंसर होगा एलेक्स कार्टज ने, ठीक है। ड्राई पॉइंट के लिए किस सुई का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे, डायमंड की सुई। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कागज चित्रकला हेतु प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो कागज चित्रकला में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं का नाम दिया गया है, हैंडमेड पेपर, कार्ट्रिज पेपर, कैंट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, A4 कागज की वास्तविक माप क्या है? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। A4 कागज की वास्तविक माप पूछी जा चुकी है, आंसर होगा 210 × 297 मिलीमीटर में, और अगर इंच में पूछा जाए तो 8.27 × 11.7 इंच, ठीक है। कागज का आविष्कार चीन में किसने और कब किया? तो कागज का आविष्कार जो किया चीन में, तसई लुन ने किया, 105 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1882 ईस्वी में कोलकाता में। टेराकोटा आर्मी संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? सियान चीन में। जितने भी आपके संग्रहालय हैं इनके विषय में डिटेल, मतलब वीडियो बताया गया है पहले भी चैनल पे, सब एक जगह इकट्ठा संग्रहालय के विषय में कौन सा कहाँ स्थित है, तो उसको आप देखेंगे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगी कि जितने भी आपके संग्रहालय हैं ये कहाँ स्थित हैं। टेराकोटा आर्मी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सियान चीन में, ठीक है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या होता है? तो हाँ, आंसर हो जाएगा समय। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो मोटे कागज पर पोत का प्रभाव यानी टेक्सचर का अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। जल रंग यानी कि वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ये भी आपके इस तरह के ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर होगा आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता होगी उतनी बार जल में डुबोना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एचिंग का आविष्कार किसने और कब किया था? तो एचिंग का आविष्कार जर्मनी के डेनियल हाफर ने किया था 1470 से 1536 ईस्वी में, ठीक है, 1515 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, कॉपर व जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? एचिंग में होता है। ग्राफिक विधि से संबंधित है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ये आपकी एचिंग से संबंधित है। ऑफसेट प्रेस का आविष्कार किसने और कब किया था? रॉबर्ट बर्कले ने 1875 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफसेट प्रेस का आविष्कार यानी कि विकास हुआ कितने संस्करणों में? तो दो संस्करणों में ऑफसेट प्रेस का विकास हुआ। पहला रहा टिन पर मुद्रण 1875 ईस्वी में इंग्लैंड के रॉबर्ट बर्कले द्वारा,
दूसरा है कागज पर मुद्रण 1904 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के इरा वॉशिंगटन रूबेल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सिरेमिक चल टाइप का आविष्कार कहाँ, कब और किसके द्वारा किया गया। चीन में 1040 ईस्वी में बीन शेंग के द्वारा सिरेमिक चल टाइप का आविष्कार किया गया। जो हांस गुटेनबर्ग ने यूरोप में धातु चल टाइप का आविष्कार कब किया, 1450 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही इजी होता है, तो कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कहते हैं कोलाज। रंगीन किरणों के रंगों के आधार पर किस शैली में चित्र बनाए गए हैं, प्रभाववादी शैली। ग्लेजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है, वार्निश। इसके पहले भी चैनल पर माध्यम एवं तकनीक के विषय में हमने डिटेल में बहुत कुछ बताया है, एक वीडियो आपको मिलेगा, अगर आपने नहीं देखा है उसका फर्स्ट पार्ट भी है और सेकंड पार्ट भी है, दोनों अगर आप देख लेते हैं तो माध्यम एवं तकनीक के प्रश्न आपके किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको, पॉइंट में दिया गया है तो देखेंगे। चित्रतल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, त्रितलीय, ठीक है। घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्णचक्र का आविष्कारकर्ता कौन था, न्यूटन। खुरच कर रेखांकन करने वाला उपकरण कौन सा होता है, स्क्रबर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं, एंटी क्रीन। इनमें से किसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जल रंग आपका पारदर्शी माध्यम होता है। मोम द्वारा भित्ति चित्रण विधि को क्या कहते हैं, एनकॉस्टिक, याद रखेंगे एनकॉस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चलिए आगे और पॉइंट्स देख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लेट पर एचिंग की जाती है तो कास्टिक सोडा से, एल्यूमिनियम प्लेट पर जो एचिंग की जाती है कास्टिक सोडा से। प्रकाश तथा अंधेरे पर प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, चेरोस्क्यूरो, जिसे हम छाया प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग कहते हैं, चेरोस्क्यूरो या कहीं कहीं केरोस्क्यूरो भी लिखा हुआ रहता है। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस विधा में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है, तो कोलाज। आजकल सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है, एक्रेलिक। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रकला में कलम शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो कलम शब्द का प्रयोग होता है शैली के अर्थ में, और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन बना है। कौन सी विशेषता कठपुतली, रंगीन कांच, बाटिक सब में मिलती है, राइट आंसर होगा रंग। भित्ति चित्रण के किस प्रकार के रंग उत्तम माने जाते हैं, खनिज। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, रंग के छोटे छोटे बिंदु पास रखने को क्या कहते हैं, तो स्टिपलिंग आंसर होगा, स्टिपलिंग। चित्रतल पर अमिश्रित रंगों के छोटे छोटे बिंदु रखकर आकृति बनाने को क्या कहते हैं, बिंदुवाद, ठीक है। सीधी अथवा परस्पर काटती हुई पास पास रेखाएं खींचना, जैसे सीधी अथवा परस्पर काटती हुई पास पास रेखाएं जब हम खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हैचिंग, याद रखेंगे हैचिंग या हैचिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है फोर एज, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है, किताब के पिछले सिरे को क्या कहा जाता है, फोर एज, ठीक है। विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं, डेविड ओगिलवी, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं, डेविड ओगिलवी। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 ईस्वी में इस पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं, डेविड ओगिलवी, याद रखेंगे कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखा है, डेविड ओगिलवी ने लिखा है 1963 में। एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाता है, तो क्या जीवित बनाता है, एनिमेशन, एनिमेशन फिल्में आपने देखी होंगी तो यहाँ पर आंसर होगा एनिमेशन। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है, पेस्टल।
विज्ञापन शब्द कैंपेन आया है तो ये मिलिट्री से आया है। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट। चलिए आगे और भी पॉइंट्स हैं। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड यानी मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? 9B, याद रखेंगे 9B। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? एनजी कांटे। नेक्स्ट पॉइंट है, ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना किसने कब और कहाँ की? बवेरियन अप्रवासी डेनियल बिरोल जाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में। कौन सा वैज्ञानिक ईगल पेंसिल का प्रयोग विशेष रूप से करता था? थॉमस एडिसन। नेक्स्ट पॉइंट है, विंसेंट वॉन गॉग ने अपने चित्रों के लिए मुख्य रूप से किस पेंसिल का उपयोग किया? फेबर पेंसिल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेबर पेंसिल कंपनी की स्थापना किसने कब और कहाँ की? कास्पर फेबर ने 1761 ईस्वी में स्टीन जर्मनी में। ग्रेफाइट की खोज कहाँ हुई थी? बवेरिया जर्मनी में हुई थी। निम्नलिखित में से पेंसिल कितने एंगल पर दिखाई पड़ती है? 15 डिग्री, ठीक है। सबसे अच्छी पेंसिल के निर्माण में किस लकड़ी के का प्रयोग किया जाता है? सीडार। सबसे अच्छी पेंसिल का निर्माण करने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सीडार। सामान्य पेंसिल की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे 19 सेंटीमीटर, 7.5 इंच में। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य पेंसिल होती है गोल व हेक्सागोनल, ठीक है। सर्वाधिक मानक पेंसिल कौन सी है? HB। बढ़ई पेंसिल होती है अंडाकार या आयताकार। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा गोरखपुर। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गोरखपुर। तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वीरभूमि प्रसिद्ध है टेराकोटा मंदिर के लिए। चिकनकारी संबंधित है वस्त्र कला से। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध शहर है लखनऊ। पिछले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन चिकनकारी से रिलेटेड पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? निजामाबाद, आजमगढ़। वॉल्टर डिज्नी के जनक हैं एनिमेशन प्रक्रिया के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनिमेशन प्रक्रिया के जनक हैं वॉल्टर इलियास डिज्नी। पूरा नाम है उनका वॉल्टर इलियास डिज्नी। नेक्स्ट पॉइंट है, मूवेबल टाइप के जनक हैं जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक है। मूवेबल टाइप के जनक कौन है? जोहान्स गुटेनबर्ग। कार्टून चरित्र मिक्की माउस को किसने विकसित किया है? तो आप सभी लोगों को पता होगा वॉल्टर डिज्नी ने। डिज्नीलैंड के संस्थापक थे वॉल्ट डिज्नी। आइकोनोलॉजी एक प्रतिपादन पद्धति की वकालत किसने की? एरविन पनोफस्की ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, छापा कला में अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक होता है एचिंग प्रक्रिया में, ठीक है। रबड़ पॉलीमर का इस्तेमाल होता है हेली ओरिलिक में। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? 1780 ईस्वी में। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कब खुली थी? कहाँ खुली थी? मुंबई में, ठीक है। छपाई कला की खोज कहाँ हुई? चीन में। भारत में प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो आंसर होगा गोवा। कलमकारी का संबंध कहाँ से है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक आंसर होगा जेम्स अगस्त ठिक्की। और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स आपके लिए, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न वहाँ पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे।
तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? आंसर होगा बंगाल गजट। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था आर के लक्ष्मण ने। हनी व टेराकोटा किस देश से संबंधित है? आंसर होगा जापान। कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा ट्रेडमार्क। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ के आपके जो भी पॉइंट्स बनाए गए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। मांडा और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, मांडा और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। चलिए आगे और देखते हैं, किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो याद रखेंगे मुरादाबाद। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। लिथोग्राफी किस कला की विधा है? ये है ग्राफिक कला की विधा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जोहानसेन पेल्डन ने किसका आविष्कार किया लिथोग्राफी मशीन का 1796 ईस्वी में? जर्मन एलॉयस सेनफेल्डर लिथोग्राफी के अलावा और किस रूप में प्रसिद्ध थे? अभिनेता और नाटककार। इरिना संबंधित है एनिमेशन से। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 24। ये आपके TGT का ही प्रश्न है। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? सिल्क स्क्रीन छपाई में बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? ये है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? छापा कला। पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? मुद्रित प्रतियों की संख्या। याद रखेंगे मुद्रित प्रतियों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंग्रेविंग तथा एचिंग ये किसके भाग हैं? तो ये इंटेग्लियो के भाग हो जाएंगे। जापानी कला इकेबाना क्या है? ये होता है पुष्प संयोजन। थंका से क्या तात्पर्य है? तो थंका होता है आपका तिब्बत में कपड़े पर बने बौद्ध धर्म के चित्र। ठीक है, तिब्बत में कपड़े पर बने बौद्ध धर्म के चित्र को थंका कहते हैं। निम्न में मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? आंसर होगा बाटिक। बाटिक पेंटिंग किस पर की जाती है? ये की जाती है कपड़े पर। अगर एक बार ध्यान से आप पूरा वीडियो सुन लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में निश्चित ही बैठ जाएंगे और ऐसा मेरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बंधक प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ क्या है? भूरा खुरदुरा। 3 बजे एक लाइव सेशन रखा गया है तो उसे भी आप सभी लोग जरूर अटेंड करेंगे। तैल चित्रण का उपयुक्त माध्यम कौन सा तेल है? अलसी का तेल। ठीक है, तैल चित्रण का उपयुक्त माध्यम है अलसी का तेल। तारपीन का तेल ऑयल पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है रंग को पतला करने के लिए। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? एक्रेलिक। नेक्स्ट देखेंगे, कपड़े पर चित्र चित्रकला का मुख्य स्थल कहाँ है? वो है आपका उदयपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रसिद्ध TV प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, ये आता है डिज्नी पर। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे चीड़ के पेड़ से निकले हुए लीसा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से निकले हुए लीसा से। जेनर पेंटिंग्स क्या है? जेनर पेंटिंग्स होती है जन साधारण के जीवन से संबंधित चित्र को ही जेनर पेंटिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यह आपका जिप्सम से बनता है। कॉपर अथवा जिंक प्लेट एचिंग में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। अस्फाल्टम नामक सामग्री को कहा जाता है बिटुमेन। ईजल पेंटिंग किसे कहते हैं? तो याद रखिए जिस पेंटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके ईजल पेंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बुक इलुस्ट्रेशन क्या है? पुस्तक कथा घटना या काव्य के आधार पर चित्र बनाना ही बुक इलुस्ट्रेशन कहलाता है। खसड़ा क्या होता है? ये स्केच होता है। व्यापारिक कला क्या है? तो व्यापारिक कला के अंतर्गत बुक कवर पोस्टर तथा विज्ञापन आते हैं। साथ ही और भी देखेंगे, एनकॉस्टिक क्या है? तैल रंगों में मोम को मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवास पर लगाना एनकॉस्टिक कहलाता है। सिग्रेफिटो क्या है? नीचे वाली रंग की परत को खुरचना। ठीक है, सिग्रेफिटो क्या होता है? नीचे वाली रंग की परत को खुरचना ही सिग्रेफिटो है। सिग्रेफिटो में कार्य करने वाले पुनर्जागरणकालीन कलाकार कौन थे? उनके नाम भी सुन लीजिए, रैफेल
पोलिडोरो द कैरवजियो। ठीक है, इंटेग्लियो किसे कहते हैं? तो इंटेग्लियो कहते हैं एचिंग में प्राथमिक अंकन को। बार्टिक चित्रण में क्रैक्स ज़्यादा लाने के लिए कौन सा मोम अधिक मात्रा में मिलाया जाता है? पैराफिन। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? याद रखेंगे शिबोरी। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा शिबोरी। पट चित्रण कहाँ की कला है? ये उड़ीसा की कला है। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ? आंसर होगा दरबारों में। ठीक है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? दरबारों में। लास्ट, वैक्स कास्टिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है धातु मूर्तिकला जैसे कांसा, पीतल, सोना, चांदी में। लास्ट, वैक्स कास्टिंग प्रोसेस जिसके विषय में मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, तो अगर आपने जिन लोगों ने देखा होगा ज़रूर सुना होगा ये क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है। तो ये होता है धातु मूर्तिकला जैसे कि कांसा, पीतल, सोना, चांदी में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद और भी देखेंगे कुछ पॉइंट्स। चलिए, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का सबसे प्राचीन उदाहरण प्राप्त होता है तो ये आपको दक्षिण इजराइल के नहल मिशमार गुफा से मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। आधुनिक कांस्य मूर्ति निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है 90% तांबा और 10% टिन। चारकोल क्या होता है? चारकोल होता है कोयला। ये सभी क्वेश्चन आपके बन चुके हैं और आगे इसी में से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। फुलकारी लोक कला कहाँ की है? तो फुलकारी जो होती है ये एक लोक कला है और ये हरियाणा और पंजाब की लोक कला है। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? रेशम के कपड़े द्वारा। डागरे टाइप पद्धति खोजकर्ता कौन थे? लुइस जैक्स मैंडे डागरे। 1847 ईस्वी में इन्होंने की थी। ये किससे जुड़ी है? तो ये आपकी फोटोग्राफी से जुड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ग्लास एचिंग के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हेक्साफ्लोरी सिल्किक एसिड। ठीक है, H2SiF6। वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत है? तो ये आपकी रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है वुडकट तकनीक। भारत में वुडकट तकनीक का विकास कब और किस शैली के चित्रकारों द्वारा हुआ? कंपनी शैली के। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सिल्वर हेलाइड। लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रबर निर्माण में। PVA का प्रयोग किसके लिए होता है? पॉलिशिंग। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? ये छपने वाली सतह है। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्रोमोलिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध हैं जॉर्ज वैक्स्टर। कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? तो ये एलिनोग्राफी के अंतर्गत आता है। निम्नांकित में कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? कार्बोरेंडम। फोटो के कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? कोलाज। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा है? तो 4:3। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? प्रिज्म के आविष्कारक हो जाएंगे न्यूटन। प्रीसेस तकनीक का संबंध किससे है? तो ये आंसर होगा मुद्रण से। इसके बाद देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? 3500 ईसा पूर्व में मिस्र में। नेक्स्ट पॉइंट होगा, एक्रेलिक रंगों के लिए कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? तो एक्रेलिक रंगों में ग्लास, मैट और जेल, इन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए धरातल पर किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीमर गैसों का। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट वाई ने। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रेट वाई ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दृष्टिगत मिश्रण किसे कहते हैं? दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करना ही दृष्टिगत मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रेयान से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयुक्त की जाती है? डॉमर वार्निश। पेस्टल चित्रों की सुरक्षा हेतु किसे प्रयोग में लाया जाता है? फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं। जब पेस्टल चित्र बनाए जाते हैं तो पेस्टल चित्रों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फिक्सेटिव का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है? जल रंग और क्रेयान दोनों। फ्रेस्को चित्रण किसे कहते हैं? भित्ति चित्रण की ये एक विधा है जिसमें प्लास्टर लगाकर रंगों को लगाया जाता है। ठीक है, ये दो तकनीक होती है इसकी। यहाँ पर देखिए पूछा गया है फ्रेस्को की दो तकनीक कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा फ्रेस्को सेको होती है, दूसरा फ्रेस्को ब्यूनो होती है। इसके बाद देखिएगा फ्रेस्को सेको पर कौन सी वार्निश की जाती है? वैक्स वार्निश। ठीक है, बाइंडर किसे कहते हैं? जो पदार्थ रंग कणों को बांधता है बाइंडर कहलाता है। पूर्व धारणा से क्या तात्पर्य है? रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र बिंब ही पूर्व धारणा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घनाकृतियाँ किसे कहते हैं? घनाकृतियाँ वह होती हैं जो वर्ग अथवा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं, जैसे पुस्तक, डिब्बा, ईंट, माचिस की डिबिया। इस पर भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भूमि बंधन किसे कहते हैं? तो भूमि बंधन कहा जाता है कैनवास क्लॉथ यानी कपड़े को फ्रेम पर कसकर उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती हैं उसे ही भूमि बंधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भूमि बंधन की दो प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? साइजिंग एवं प्राइमिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे जितना ज़्यादा शेयर कर सके कर दीजिएगा। ठीक है, तैल चित्रण हेतु किन तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? ब्रिसल ब्रश का। तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है? चारकोल स्टिक से, जो अंगूर की टहनियों को जलाकर बनाई जाती है। तैल चित्रण का माध्यम क्या होता है? तारपीन, अलसी का तेल अथवा वार्निश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तैल चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? कोपाल वार्निश। याद रखेंगे कोपाल वार्निश। तैल चित्रण हेतु वर्तमान में सर्वोत्तम चित्रभूमि कौन सी है? तो आंसर होगा कैनवास। तैल रंगों के लिए सबसे उपयुक्त ब्रश कौन सा होता है? फ्लैट ब्रश होता है, जो कि सुअर के बालों वाले चपटे हॉन्ग ब्रश से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे किस कलाकार ने तैल चित्रण माध्यम के रूप में बादाम के तेल का प्रयोग किया था? आंसर होगा लियोनार्डो द विंची ने। अलसी का तेल और तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? आधा आधा यानी कि 50-50% होना चाहिए। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए तभी चित्रों पर वार्निश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग के प्रमाण प्राप्य हैं? आंसर होगा बामियाना, अफगानिस्तान की गुफाओं से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तैल रंगों को पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा पैलेट नाइफ का प्रयोग करते हैं। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने को क्या कहते हैं? याद रखेंगे एनकॉस्टिक। क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? आंसर होगा गुआश। ठीक है, धातुओं के रंग बनाए गए, तो धातुओं के रंग कब बनाए गए? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, फ्रेस्को चित्रण किया जाता है गीली भित्ति पर किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो कि किंचित नम भित्ति पर तथा सूखी भित्ति पर। ठीक है, और फ्रेस्को चित्रण दो तरह का होता है, फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्यूनो। तो देखेंगे भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैचुला या नाइफ से लगाना क्या कहलाता है? आंसर होगा इम्पेस्टो। और जिंक वाइट तथा फ्लेक वाइट में से अधिक घना कौन सा होता है? याद रखेंगे फ्लेक वाइट। नेक्स्ट पॉइंट ईजल किसे कहते हैं? तो तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण किया जाता है ईजल कहलाता है। ठीक है, तैल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण करते हैं क्या कहते हैं? ईजल। डीपर का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका तैल चित्रण में किया जाता है। जल रंग में कार्य कैसे करते हैं? लाइट टू डार्क करते हैं। ठीक है, तैल रंगों में किस प्रकार से कार्य करते हैं? डार्क टू लाइट। इसके साथ ही देखेंगे जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? तो देखेंगे केंट, फेब्रियानो, सैंडर्स, कार्ट्रिज, वाट्समैन। ठीक है, ये क्या है? ये धरातल हैं। अलग अलग पेपर। ठीक है, जल रंग के लिए कौन सी तुलिकाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं? सेबल तुलिका। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
फिलबर्ट तुलिका किसे कहते हैं? किंचित गोल किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिकाएं क्या कहलाती हैं? फिलबर्ट तुलिका, किंचित गोल किनारे वाली सफ़ेद बालों वाली तुलिकाएं कहलाती हैं फिलबर्ट तुलिका। जलरंग चित्रण कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से। ठीक है, जलरंग चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? पॉल सैंड बाई को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ विद्वान जलरंग चित्रण का पिता किसे मानते हैं? तो ड्यूरर को भी मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जलरंग चित्रण का पिता ड्यूरर को भी माना जाता है। वॉश क्या है? वॉश है जलरंग चित्रण की एक विधा जिसमें रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना वॉश चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वॉट्समैन कागज कहाँ का उत्पादन है? तो ये इंग्लैंड की जे वॉट्समैन कंपनी का है। कार्बनिक रंग कैसे होते हैं? रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित होते हैं। जलरंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है। तकनीकी के प्रयोग की दृष्टि से जलरंग की कितनी श्रेणियां हैं? दो श्रेणियां होती हैं, पारदर्शक में वॉश, आला प्राइमर, स्पंजिंग, अपारदर्शक स्टिपलिंग, कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, वॉश। वॉश किसे कहते हैं? इसके पहले भी मैंने बता दिया है, जल रंग को अपारदर्शक गोंद मिश्रित करके प्रयोग करने की विधि जिसे बॉडी कलर के नाम से भी जानते हैं और गुआश भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टेम्परा चित्रण में माध्यम के रूप में किस पायस का प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परा चित्रण में पायस के रूप में अंडा, दूध, गोंद तथा ग्लिसरीन मिलाया जाता है। टेम्परा चित्रण के लिए कौन से ब्रश प्रयोग में लाए जाते हैं? सेबल तथा ब्रशल ब्रश। टेम्परा चित्रण किस तल पर किया जाता है? लकड़ी के धरातल पर बनाया गया कैसीन ग्राउंड, जिप्सम ग्राउंड, इनेमल की परत लगी धातु प्लेट पर। ठीक है, टेम्परा चित्रण में किस तल पर यह किया जाता है? तो लकड़ी के धरातल पर बनाया गया कैसीन ग्राउंड, जिप्सम ग्राउंड, इनेमल की परत लगी धातु प्लेट पर। किस माध्यम में रोगन करना यानी ग्लेजिंग अनिवार्य होता है? तो वो है तैल माध्यम में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बिंदु वर्तना जिसे स्टिपलिंग कहते हैं का प्रयोग किसने किया था? सोरा तथा सिग्निक के नौ प्रभाववाद के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया था। स्फुमेटो क्या है? स्मंजिंग अर्थात कठोर किनारों को अंगूठे या अंगुली की सहायता से मिक्स करते हुए कठोरता को कम करना। सैनग्यून क्या है? तो ये है रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक। सैनग्यून ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुई? 14वीं शताब्दी में। एक्वाटिंट किसे कहते हैं? इंटेग्लियो की वह तकनीक जो जल रंग वॉश के समान प्रभाव उत्पन्न करती है। स्टाइल्स किससे बना है? तो स्टाइल शब्द जो है ये लैटिन शब्द स्ट्यूलस से बना है। ठीक है, लैटिन शब्द स्ट्यूलस से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थ्री पेंसिल तकनीक क्या है? थ्री पेंसिल एक साथ एक ही स्केच में प्रयोग, ब्लैक पेंसिल, श्वेत चाक या पेंसिल तथा सैनग्यून। ठीक है, यही है थ्री पेंसिल तकनीक। ग्राफिक किसे कहते हैं? ग्राफिक कैसे किसे कहते हैं? एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापना ग्राफिक कहलाता है। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी प्रविधि आती है? याद रखेंगे, एचिंग, वुडकट, एनग्रेविंग, सेरीग्राफी। कभी कभी क्रम से आपको लिखने को पूछा जाता है। ठीक है, रंग पैलेट किसे कहते हैं? रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को रंग पैलेट कहते हैं। यह आपका पूछा भी गया था। ठीक है, कि इसका प्रयोग किस में होता है? तो चित्रकला में, रंग पैलेट। ब्लेंडिंग किसे कहते हैं? दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर तुलिका द्वारा मिश्रित करना ब्लेंडिंग कहलाता है। टार्चान किसे कहते हैं? ट्राई ब्लेंडिंग करने के लिए कागज को कस कर लपेट कर पेंसिल के आकार का टूल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लोन ब्लॉट्स किसे कहते हैं? रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से या स्ट्रा की सहायता से फूंक मारकर कलात्मक पोत की रचना करना। ब्रोकन कलर किसे कहते हैं? बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रोकन कलर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? कांस्टेबल ने अपने प्रकृति चित्रों के लिए। याद रखेंगे,
ब्रोकन कलर का जो प्रयोग है ये सबसे पहले कांस्टेबल ने किया था अपने प्रकृति चित्रों के लिए। ड्राई ब्रशिंग क्या है? सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग को तुलिका के माध्यम से लगाना ड्राई ब्रशिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैट और लीन किसे कहते हैं? अलसी का तेल या पॉपी का तेल के साथ तैल रंग जब प्रयुक्त किया जाता है तो उसे फैट, और जब तारपीन का तेल या श्वेत प्रिंट के साथ प्रयुक्त किया जाता है उसे लीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉटेज क्या है? यह एक तकनीक है जिसमें कुछ सूखे रंगों के किसी कागज के शीट या कपड़े से रब करके चट्टान, पत्थर या लकड़ी आदि का पोत दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? बवेरिया की क्वेरी। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो दोस्तों ये था माध्यम एवं टेक्निक से रिलेटेड और ग्राफिक कला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।